स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद आजादी के अमृत महोत्सव पर विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला पशु चीता हमारे देश भारत में मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में दोबारा से हवाओं की रफ्तार को चुनौती देता हुआ अपनी दौड़ लगाएगा। वो देश जहां वेद पुराणों में चीते का उल्लेख है, उसी देश में शौक, शिकार और प्रकृति के प्रति लापरवाही के चलते इस शानदार जानवर का भारत से अस्तित्व ही खत्म हो गया। इसके गुण, इसकी खूबसूरती, इसकी आकर्षक खाल और इसका सीधापन ही इसके दुश्मन बन गए। पर जो बीत गई सो बात गई। 1955 से इनके पुनर्वास और पुनर्स्थापना पर बातें, प्रस्ताव, चर्चाएं और फाइलें चलती रही, जो अब हकीकत में बदल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और केंद्रीय सरकार के निरंतर प्रयासों से ये संभव हुआ है। नामीबिया से लाए गए चीते भारत में जंगली बिल्ली प्रजाति की संख्या को 5 से बढ़ाकर 6 कर देंगे। इन चीतों का भारत में लाया जाना भी विश्व की एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि इससे पहले कभी भी एक बड़ा मांसाहारी पशु एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरित नहीं हुआ है। भारत और नामीबिया ने इसी प्रयास को शीघ्र साकार करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सफल कदम इस बात को भी बताता है कि भारत के पास अपनी खोई हुई प्राकृतिक विरासत को वापस लाने की इच्छा शक्ति, तकनीक और वित्तीय क्षमता है। इसके साथ साथ स्थानीय लोगों को चीते के आने के बाद आजीविका और वन्य जीव पर्यटन के नए अवसरों से लाभ ही होगा। भारत में चीते की वापसी एक पारिस्थितिकीय गलती को सुधारने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दुनिया को दिए गए मिशन लाइफ मंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इतिहास का एकमात्र सुंदर, फुर्तीला, संवेदनशील पशु चीता अब हमारे भारत से दोबारा कभी विलुप्त ना हो, उसकी संख्या बढ़ती रहे, उसके लिए हम सबको प्रयत्नशील, सतर्क व उत्तरदायी होना होगा।